यूपी के विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही अभी कुछ महीनों की देरी है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी अभी से ही दिखने लगी है। इसकी एक बानगी मंगलवार को जिले में दिखाई दी, जहां पर भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुकी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का मिर्जापुर से चल करके जिले के दक्षिणी सीमा टेढ़वा में पहुंचने पर और आई विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती मधुबला के नेतृत्व में लगभग 250 सपा के नेता कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वहां से लंबे जुलूस के साथ जनवादी जनक्रांति यात्रा के साथ चल रहे माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का जोरदार स्वागत पूर्व विधायक और आई श्रीमती मधुबाला पासी के नेतृत्व में और आई विधानसभा के सेक्टर प्रभारी बूथ प्रभारी और आई विधानसभा संगठन फ्रंटल प्रकोष्ठ के समस्त अधिकारियों ने क्रमशः और आई चौराहा उगापुर और बभनौटी चौराहा पर जोरदार स्वागत करते हुए भदोही विधानसभा में प्रवेश किया गया। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव, हृदय नारायण प्रजापति, डॉक्टर राम्या गिपाल, नंद कुमार मौर्य, सीताराम यादव, हकीम बिंद, दशरथ पटेल, रमेश बिंद, प्रमोद सिंह उर्फ कल्लू सिंह, बैजनाथ यादव, केशव नारायण यादव, संजय सिंह, विनोद शुक्ला, दशरथ पटेल, सूबेदार विश्वकर्मा, राकेश यादव, शिवप्रसाद यादव, जवाहिर यादव, जितेंद्र यादव, अबरार अंसारी, ब्रिजेश यादव, काजू चौधरी, अब्दुल रहमान, हरिओम मौर्य, मैनुद्दीन अंसारी, अनिल पासी, जवाहिर यादव, राजेश यादव, इजहार अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी, सुरेश यादव प्रधान, समर यादव, कल्ला प्रसाद बिंद, राम बहादुर सरोज, श्यामधर यादव प्रधान, समर बहादुर यादव, राज बिहारी यादव, लवकुश कुमार, मोहम्मद आलम, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहकर डॉक्टर चौहान का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा कहा, भाजपा के झूठ और अत्याचार से जनता ऊब चुकी है, जनता अब सपा के साथ है और अगली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। सवरपुर में सभा कर भाजपा सरकार को जनविरोधी बताते हुए पूर्व की सपा सरकार की योजनाओं को गिनाया। पूर्व विधायक और आई मधुबाला पासी ने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान मजदूर नौजवान व महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ इस नजवादी जनक्रांति यात्रा को जोरदार जन प्रदर्शन मिल रहा है। 2022 के आम विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा के योगी सरकार को सत्ता से हटाकर उत्तर प्रदेश को अराजकता और बर्बादी होने से बचाकर पुनः बहुमुखी विकास के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपना चाहती है। डॉक्टर चौहान अभयनपुर स्थित स्वर्गीय शिवकरण यादव के कालीन प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता कर भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ यात्रा का उद्देश्य बताया। कहा कि 16 अगस्त को बलिया से यात्रा निकाला जो प्रदेश भ्रमण कर 2 सितंबर को लखनऊ में समापन होगा। यात्रा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर निकाला जा रहा है। कहा कि जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट व सपा मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। वार्ता में भाजपा सरकार में बैठे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा 2022 चुनाव में आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जनता कैसे आशीर्वाद देगी। कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में कितने गरीब ने दम तोड़ दिया। जिला पंचायत चुनाव में कुर्सी के लिए महिलाओं के वस्त्र उतार कर रुसवा किया गया। महंगाई ने सभी हदें पार कर दिया। कहा कि भाजपा सरकार के पूंजीपतियों से प्रेम प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जनता सपा की सरकार बनाने के संकेत दे रही है। भाजपा सरकार के चुनाव में किए गए वादों को पूरा ना करने को लेकर जनता नाराज है। इस दौरान ओम प्रकाश चौहान, संतोष चौहान, मोहम्मद जाहिद बेग, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, शोभनाथ यादव, पन्नालाल यादव, विनोद यादव, सरिता बिंद, बिंदु सरोज, अंजनी सरोज, श्यामला सरोज, जयसवाल, रवि शिवकरण यादव, श्यामधर यादव, नानहक यादव, मुन्ना यादव, राजकुमार चौहान, त्रिभुवन चौहान, संतोष यादव आदि रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट।